हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। कई बच्चों ने मुझे नीचे कमेंट करके बोला कि सर, हम लोग पढ़ाई तो बहुत कर रहे हैं, कई सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग जाते हैं एग्जाम में और कुछ लिखने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि अरे, ये तो टॉपिक मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, अरे कुछ पढ़ा था वो याद ही नहीं आ रहा है, सी की प्रोग्रामिंग की थी और यहाँ पर जब रन करा रहा हूँ तो एरर आ रहा है, मैंने मैथ के न्यूमेरिकल लगाए थे यहाँ पे प्रूफ कर रहा हूँ तो ये सॉल्व भी नहीं हो रहा है, मैंने हिस्ट्री में डेट याद की थी वो डेट अभी याद ही नहीं है, वो डेट अभी क्या था, 1987 नहीं, कुछ और था। तो ये जो चीज़ें हैं जिससे हम लोग चीज़ों को याद नहीं कर पाते हैं, उसका जो मेन राज है, क्यों नहीं कर पाते हैं, इसके बारे में आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आज से आपकी प्रॉब्लम याद करने की तो खत्म ही हो जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी याद करने की प्रॉब्लम खत्म हो जाए, आप इजिली किसी चीज को याद कर सको। दोस्तों, सबसे पहला स्टेप याद करने के लिए यह है कि आप क्या खुद के माइंड को प्रिपेयर कर रखे हैं याद करने के लिए कि नहीं। प्रॉब्लम क्या आती है, आज के टाइम में हमारे पास इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हो गए हैं कि वो हमारे माइंड के साथ खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं वो हमारे माइंड के साथ। किस तरह के गेम खेल रहे हैं मैं एक एक करके आपको बताना चाहूंगा। जैसे हम लोग अपने व्हाट्सएप को खोलते हैं, अपने फेसबुक को खोलते हैं, इंस्टाग्राम को खोलते हैं, अब हमारा जो माइंड है उसको बहुत ही ध्यान से देखने की कोशिश करता है। जब बहुत ही ध्यान से देख रहा है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, देखिए माइंड दो होते हैं, एक होता है नॉर्मल माइंड जो हम देखते हैं और दो मिनट के लिए याद रहता है, एक होता है माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो हमारा जो माइंड है वो पूरी तरीके से उस चीज के लिए बिजी हो गया है, किसके लिए, व्हाट्सएप के लिए, इंस्टाग्राम के लिए और फेसबुक के लिए, या और भी ज्यादा पुराने जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, जो हमारे पास वेब्स अवेलेबल है उनके लिए, वेब सीरीज आप देखते हो, इन सब चीज़ों में जो हम माइंड को डिस्टर्ब करके रखे हैं, क्या उन सब चीज़ों से माइंड को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो उनको, उनसे बाहर माइंड को निकालने के लिए सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरीके से मोबाइल को चार्ज करते हो उसी तरीके से अपने माइंड को मॉर्निंग में 15 मिनट के लिए चार्ज करके देखो। चार्ज कैसे करना है माइंड को अपने, चार्ज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप 15 मिनट के लिए अपने माइंड को मेडिटेट कर लो, उसको शांत बैठाओ और बैठा के सोचो कि आज का मेरा टारगेट क्या है, उसी चीज़ के बारे में सोच लो कि ओके, ये मेरा टारगेट है, आज मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को करने वाला हूँ और ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, इन सब्जेक्ट्स पर मैं अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करूँगा। दूसरी चीज़, जब हम लोग अपने माइंड की चार्जिंग के बारे में बात करते हैं तो बॉडी की भी चार्जिंग जरूरी है। तो जब बॉडी की चार्ज करोगे तो उसके लिए ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं, जस्ट 15 to 20 मिनट्स अपने बॉडी को थोड़ा सा ओपन करने की कोशिश करो। बॉडी को ओपन किया, उसके बाद माइंड को ओपन किया, अब आप अवेयर हो चुके हो चीज़ों से, अब चलते हैं स्टार्ट करने के लिए। कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले खुद को, माइंड को और बॉडी को प्रिपेयर कर डालो कि अब मुझे ये करना है, इसके लिए मैंने जो जरूरी चीज़ था, अपने मोबाइल को जैसे चार्ज किया वैसे ही ब्रेन को चार्ज किया, वैसे ही बॉडी को चार्ज किया। अब चार्ज करने के बाद क्या होगा दोस्तों, आपने बुक को पढ़ा, मान लीजिए हिस्ट्री वाला सब्जेक्ट है आपका, जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट है उसको पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद अब आपका ब्रेन कैसे चलता है, ब्रेन आपका ऐसे चलता है जिग जैग, देखा होगा आपने ब्रेन की नसें कैसे होती है, जिग जैग चलती हैं, और आप क्या करते हो, आप लाइनों में चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करते हो, ओके ऐसे ऐसे करके, मतलब कि अगर मैं एक श्लोक बोलूँ, ओम भूर्भुवस्व तस्य वितुर्वरेण्यम, इसमें क्या हो रहा है कि हम एक लाइन को पढ़ रहे हैं और ब्रेन को क्या पसंद है, ब्रेन को लाइन नहीं पसंद है, ब्रेन को जिग जैग चलना पसंद है। देखते हैं ब्रेन कितना सोचता है, आप यहाँ बैठे हो सोच कहीं और कि मूवी में क्या हो रहा होगा, वहाँ क्या हो रहा होगा, तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन जिगजैग चलता है और हम क्या लाइनों में चलते हैं। तो जैसे ही उसके रूल के अगेंस्ट जाओगे उसको नींद आने लगेगी ब्रेन को, जैसे ही ब्रेन को नींद आई ना, आप टॉपिक को पढ़ोगे भी तो आपके दिमाग में नहीं घुसेगा। चीज़ों को जब पढ़ रहे हो तो उस टाइम पे उनको चीज़ों से कोरिलेट करना स्टार्ट करो, जैसे कि नंबर देखा आपने 1980, इसको कैलकुलेट कर दो, ओके 1 तो हमको पता है, 9 तो हमको पता है, 8 तो हमको पता है, 0 भी हमको पता है, जस्ट उनको एक सीरीज में लगा दो, समझ गए, उनको चीज़ों को कोरिलेट करना स्टार्ट कर दो। ऐसे ही सेम टू सेम आप हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट के साथ कर सकते हो, हिस्ट्री में कोई कहानी पढ़ी, कहानी को इमेजिन कर लो, ओके
भगत सिंह ने इस तरीके से अंग्रेजों से लड़ाई की थी, ओ ऐसा सिचुएशन था उस टाइम पे, ऐसा लोग सोचते थे, ऐसी लड़ाइयां होती थी। कहानी की तरह कहानी को चित्रों में कन्वर्ट कर दो। आप देखते हो ना, कोई फोटो अपनी देखते हो, 10 साल पुरानी फोटो, अच्छा हाँ 10 साल पहले मैं ऐसे वहां पे जाके फोटो खींच रहा था, याद आया ना, याद आया ना आपका जो पुराना स्टेप था, आपने जब सोचा कि अच्छा ये फोटो ओके, ये मैं अपने दोस्त के साथ कॉलेज में ये कर रहा था, लैब टेस्ट कर रहा था, तो उस टाइम पे मैंने एक फोटो खींची, ओके ऐसा था, याद आया ना। मतलब अपने माइंड को वर्ड्स नहीं पसंद है कि आप एक लाइन पढ़ो उनको ये चीज पसंद नहीं, लाइन को चित्रों में कन्वर्ट कर दो, तुरंत उनको इजिली समझ में आ जाएगा, लॉन्ग लाइफ के लिए वो अपने आप उसको अंदर कर लेते हैं। इसलिए एक एक वर्ड को कोरिलेट करना स्टार्ट करो। दूसरा चीज, जब आप कोई प्रोग्रामिंग करते हो, ढेर सारे लोग इस समय प्रोग्रामिंग करने की कोशिश करते हैं, तो रटने की प्रोग्रामिंग रटने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग मत रटो यार, लॉजिक को रटो। लॉजिक सोचो कि इस प्रोग्राम को रन करना है तो क्या कर दें, क्या लूप लगाएं कि ये इजिली हो जाए, इसको आपको सोचना पड़ेगा, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो आप लॉजिक पे कोशिश करो, आप उनके फालतू के स्टेप्स रटने की कोशिश मत करो। स्टेप रटोगे तो आपका अच्छा नहीं हो सकता। दूसरी चीज, जब आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो जब पढ़ते टाइम उसको ना फोकस से पढ़ो, थोड़ा सा सोच के पढ़ो, और जब पढ़ा तो उस टाइम पे लिखो। जब लिखते हो तो ब्रेन आपका बोलते हो यार अब तो मजबूरी में आपको सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाना है। जब आपका वर्ड सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच गया तो अब उसको याद करने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि मैं बात करूं आपका खुद का कॉलेज का जो रूट है, जब आप कॉलेज डेली जाते हो तो क्यों याद रहता है आपको पता है? आप एक बार कॉलेज की तरफ जाते हो, दोबारा जाते हो, थर्ड डे जाते हो, फोर्थ डे जाते हो, कंटिन्यू जा रहे हो, आपका जो माइंड है ना उसमें वो आपका डाटा नहीं रहा है, वो अब सबकॉन्शियस माइंड में जा चुका है। कहाँ जा चुका है? सबकॉन्शियस माइंड में। वो कब जाता है? जब आप चीज़ों को कई बार करते हो। इसलिए आप एक नोटबुक बनाओ और उसमें आप जो भी चीज़ करने वाले हो उसको वहाँ पर राइट डाउन करो। जब वहाँ पर राइट डाउन करते हो तो आपका रूट फिक्स हो जाता है कि जैसा कि मैंने कई सब्जेक्ट्स, मैं खुद भी टीच करता हूँ तो कई सब्जेक्ट्स मुझे रट गए हैं। क्यों रटे हैं पता है क्यों? क्योंकि डेली मैं मॉर्निंग टू इवनिंग वो सब्जेक्ट्स को पढ़ाता हूँ, वो सब्जेक्ट्स के रूट से बार बार जाता हूँ, तो मुझे वो चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा चुके हैं। आपको सबकॉन्शियस माइंड का पावर पता ही नहीं है, उसका पावर सुपर कंप्यूटर से भी 50 टाइम्स ज़्यादा है। तो उसको यूज करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, जो भी हमने पढ़ा उसको सबकॉन्शियस में डालना है। हमने दिनेश का नाम लिया, हमने रमेश का नाम लिया, हमने सुरेश का नाम लिया, हमने अमित का नाम लिया, हमने अखिलेश का नाम लिया, हमने कई नाम लिए, लेकिन वो नाम याद कैसे रहेंगे पता है कब? जब उनसे आपका इंट्रोडक्शन हुआ, इंट्रोडक्शन के टाइम पर उनसे आप बोले ओके आपका नाम अखिलेश, ओके अखिलेश, ओके अमित, ओ यस अमित। तो आप अमित को क्या किया, मैं क्या करता हूं अगर मैं पर्सनली एडवाइस करूं तो मैं अमित, अच्छा अमित एक मेरा दोस्त भी था, मैंने कोरिलेट कर दिया, मैंने डायग्राम बना दिया, और डायग्राम ब्रेन को बहुत पसंद है। जैसे ही डायग्राम बनाया कि ये अमित और मेरा अमित ओके दोस्त है, तो तुरंत चीज़ें याद हो जाती हैं, समझ गए? तो जब चीज़ों को याद करने के लिए आप उनको फिगर में डायग्राम में कोशिश करोगे तो सबकॉन्शियस माइंड में बहुत जल्दी चली जाएंगी। सो आज से आपको जो भी याद करना है, जो भी करना है, उसके लिए आप पढ़ो, पढ़ने के बाद उसको लिखो, लिखने के बाद एक बार मत लिखो, दो बार लिखो, तीन बार लिखो। एक रूट पे आप बार बार जाते हो तो क्या हो जाता है, वो चीज़ें याद हो जाती हैं आपको। याद करो, आंख बंद करके आपके सामने आपके घर का फोटो होगा, होगा ना, पता है क्यों है? क्योंकि आप बार बार उस घर को देखे हो, वो घर आपके माइंड में नहीं है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। तो सबकॉन्शियस माइंड का पावर अगर आप यूज करोगे, थोड़ा सा भी यूज कर लिया ना, कोई भी चीज़ आप इजिली याद कर सकते हो। आप मुझे बताओ कि आप एक बार करके देखो क्या आपको फ़ायदा होता है। पहला चीज जरूर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है मेडिटेशन। जरूर चार्ज करना है यार, आपका मोबाइल चार्ज ही नहीं है तो कैसे वर्क करेगा, आपका माइंड चार्ज ही नहीं है तो कैसे वर्क करेगा, आपका बॉडी चार्ज ही नहीं है तो कैसे वर्क करेगा। एक बार चार्ज करके चीजों को सबकॉन्शियस में डालने के लिए बार बार लिखना, और लिख के आप बुक बंद कर दो, खुद से लिखने की कोशिश करो, उनको जो भी पढ़ा उनको सोचो कि अच्छा ये ऐसा होगा, जैसा मैंने बोला भगत सिंह, ऐसे ही आप सोचो कि गांधी जी ने डांडी का आंदोलन किया तो उस आंदोलन में उसके वो इतने लोगों को साथ लेके चल रहे थे। जब आपने इस तरीके से सोचा ना, एक
फिगर बना ली अपने माइंड में, एक ड्राइंग बना ली अपने माइंड में, वो चीज़ें कभी भी नहीं भूलती हैं। मैं भी इसी तरीके से कई ढेर सारे सब्जेक्ट्स को याद कर चुका हूँ, आगे भी मेरी कोशिश है कि मैं ढेर सारे सब्जेक्ट्स को याद कर सकूँ। मैं बहुत ही कम समय में याद कर लेता हूँ, उसका रीज़न ये है कि मैं चीज़ों को माइंड में नहीं रहने देता। माइंड में क्या होता है, अच्छा ओके व्हाट्स योर नेम, जॉनी, ओके आप भूल गया, जॉनी पे मैंने फोकस नहीं किया, दो मिनट के लिए सोच लो ना यार जॉनी, वो सबकॉन्शियस माइंड हो गया, बस खत्म। अब वो जॉनी कभी भी नहीं भूलेगा। जॉनी को आप याद कर लो जॉनी लीवर से, अमिताभ को याद कर लो अमिताभ बच्चन से, क्यों ए अमिताभ वो अमिताभ एक की है ना, तो ड्राइंग बना दिया हमने, ग्राफ तैयार कर दिया, वो ग्राफ हमेशा याद रहता है। आप याद करते हो टाइम वर्सेस एक्सेलरेशन का ग्राफ देखते हो, उस ग्राफ को कभी नहीं भूलता ना, क्यों नहीं भूलता, क्योंकि आप देखते हो ग्राफ ऐसे चल रहा है, आपके माइंड में वो ग्राफ बन चुका है। इस तरीके से आप इजिली चीज़ों को याद कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ, वो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ कि किस सब्जेक्ट में किस तरीके से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सके, किस तरीके से मार्क्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किया जा सके और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके, उसके लिए हमारा दूसरा वीडियो होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा सबकॉन्शियस माइंड और ब्रेन के ऊपर, आप मुझे बताइए। अगर अच्छा लगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर बताऊंगा, उसमें बताऊंगा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में कैसे मार्क्स गेट कर सकते हो और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में कैसे गेट कर सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से आप 100 out of 90 मार्क्स स्कोर कर पाओगे, वो मैं रूल बताऊंगा। क्या आपको वीडियो चाहिए तो नीचे आप कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइस।